हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति कम्युनिकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनहांस योर वोकैबुलरी विद फन। ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशंस की और इस बुक में वो वोकैब दी गई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछी गई है, चाहे आपका SSC का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो। तो ये वोकैब काफ़ी बेसिक वोकैब है और कई बार पूछी गई है, तो इसलिए आपको ये सभी वोकैब याद करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। और इन इन सभी वोकैब को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ रखिए एक नोटबुक और पेन और इन सभी वोकैब को पेन डाउन करिए, लिखिए और उसको याद करिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम वोकैब को याद करेंगे एक निमोनिक मेथड के द्वारा। ये मेथड क्या होता है मैं अपने सभी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, और अगर आपने इससे पहले के वीडियो 1 से लेकर के 10 वीडियो वॉल्यूम 2 नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा राजेश्वरी पब्लिकेशंस वॉल्यूम 2। उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको प्रीवियस सभी वीडियो मिल जाएंगे, उन सभी वीडियो को देखिएगा, पेन डाउन करिएगा, याद करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फैन फेयर। तो फैन फेयर का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है धूमधाम। अब हम बात करते हैं कि देखिए फैन फेयर का मतलब होता है हिंदी में धूमधाम, तो अब इसको याद कैसे करें। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हम इसको लंबे समय तक याद कैसे करें। याद तो हम करते हैं, अभी हम याद कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कल परसों हम दोबारा से इस वोकैब को भूल जाएंगे, इस वर्ड को हम लोग भूल जाएंगे। इसको परमानेंट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ड में से एक की निकालेंगे, एक चाबी निकालेंगे, उस चाबी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस वर्ड को लंबे समय तक याद कर पाएंगे। इसको बोलते हैं निमोनिक मेथड। तो यही मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था और यही मेथड मैं इस बुक में जो अप्लाई करा गया है यही मेथड मैं आपको अब समझाने जाऊंगा। देखिए फैन फेयर का मतलब होता है, इसका की वर्ड है फैन फेयर, आपको दिखाई दे रहा है FANFAIR फैन फेयर। देखिए इसका की वर्ड जो रहेगा याद करने का वो रहेगा फैन फेयर। अब हम देते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हमारे सारे फैन हमारा वेलफेयर कैसे करते हैं। फेयर मतलब वेलफेयर, तो वेलफेयर वो कैसे करेंगे, हमारा हमारे जितने भी फैन होंगे हमारा वेलफेयर क्या करते हैं, बड़े ही धूमधाम से करते हैं। कोई भी हमारा फैन फेयर जो होता है वो कभी भी हो हमारा जो स्वागत होता है टमाटर जूते चप्पल से नहीं करता है, याद रखना। कैसे करता है, धूमधाम तरीके से करता है, मतलब क्रैकर का इस्तेमाल करेगा, ढोलक का इस्तेमाल करेगा, नगाड़े का इस्तेमाल करेगा, गाने बजाएगा, DJ चलाएगा। तो क्या होता है कि हमारे सारे फैन हमारा वेलफेयर बहुत धूमधाम से करते हैं। अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका पॉम्प एंड चेयरिंग, एंटोनिम्स होगा इसका हाइडिंग। राइट, आपको याद हो गया। इसका कीवर्ड आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, फैन फेयर इक्वल में लिखना है आपने धूमधाम, फिर इसका कीवर्ड लिखना है आपको फैन फेयर। बस इतना छोड़ दीजिए। आप चाहें तो अगर आपकी अभी स्टार्टिंग है वोकैब, अगर आप पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं चैनल की, तो आप एक काम करिए, इसका हिंदी में जो एग्जाम्पल दिया है पूरा वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वोकैब 2 पर। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए जो कीवर्ड है वो है आपका एक जो क्यूट। एक एक्स का मतलब एक, एग्जीक्यूट का मतलब जो क्यूट। देखिए जो अब इसको याद करते हैं, एग्जाम्पल देखिए, एक जो क्यूट लड़का था, एक जो मतलब क्यूट क्या था, लड़का था, उसे क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है। एक जो क्यूट लड़का था उसे फांसी दे दी गई। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हैंग या मर्डर, किसी की हत्या कर देना। एंटोनिम्स होता है इसका फॉरगिव एंड फ्री, मतलब आजाद कर देना। राइट, एग्जीक्यूट का हिंदी में मीनिंग होता है फांसी देना, लेकिन हम इसको लंबे समय तक याद नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग इसके कीवर्ड ना लिखें, इसको याद करने की ना लिखें। तो की है इसका एक जो क्यूट, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, एक जो क्यूट लड़का था, बॉयज था, उसे क्या हुआ, फांसी दे दी गई। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 3 की इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, इनसाइट, कीवर्ड है इसका इनसाइट। इनको गंदी साइट दिखा के वह क्या करता है, उत्तेजित कर रहा है, ठीक है। इनसाइट, ठीक है, इनसाइट को देख करके क्या होता है, इंसान काफी क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। कभी कभी होता है काफी घटिया वेबसाइट होती है और कुछ कुछ होती है क्या, काफी अच्छी वेबसाइट, जैसे मोटिवेशनल वेबसाइट काफी सारी होती है, संदीप महेश्वरी की वेबसाइट आपको पता होगी, या फिर आपका अभिनव बिंद्रा
ठीक है, तो इस टाइप की जो वेबसाइट होती है वो क्या करती है, इंसान को उत्तेजित करती है, मोटिवेट भी करती है। तो नेट आपके हाथ में है, दोनों साइटें आपके पास में है। तो फिलहाल हम बात करें इनसाइट, इसको याद करने का जो कीवर्ड था वो था आपका इनसाइट। इनको गंदी साइट दिखा के वह क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, या फिर इनको वो अच्छी साइट दिखा करके, मोटिवेट साइट दिखा करके इनको क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है या इनकरेज कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। एंटोनिमस इसका होगा डिटर एंड डिप्रेस। वर्ड नंबर 4 है आपका कॉफर। कॉफर का अर्थ होता है तिजोरी। कॉफर का अर्थ क्या होता है, तिजोरी। तो कीवर्ड है इसका कॉन ऑफर, COFFER का जो कीवर्ड है वह है आपका कॉन ऑफर। कौन सा ऑफर तिजोरी में रखा हुआ है, मतलब तिजोरी में कहते हैं कि आपके लिए कुछ ऑफर रखा हुआ है, रजिस्ट्री रखी है मकान की, वो आपके लिए ऑफर के रूप में है, एक गिफ्ट के रूप में है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कौन ऑफर तिजोरी में रखा हुआ है। तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका एक्सक्यूर एंड कास्केट। वर्ड नंबर 5 बफेट। बफेट का मतलब होता है आहार कक्ष, जहां पे हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं आहार कक्ष। जैसे कैंटीन, पेंट्री वगैरह होती हैं ऑफिस में, तो उसको बोलते हैं बफेट। मतलब अब कीवर्ड है इसका बफेट। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट को आहार कक्ष में जाना बहुत पसंद है। ये नाम है वॉरेन बफेट, वो काफी हेल्थी इंसान है और उनको क्या है, आहार कक्ष में जाना बहुत पसंद है। जैसे आप ऑफिस में काम करते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा कैंटीन में जाना ऑफिस की, ठीक है, वहां पे खाना आपको अच्छा लगता होगा। आप लंच तो करते करते हैं, उससे पहले आप लोग ब्रंच भी करते होंगे कैंटीन में जा करके। तो बफेट का मतलब आपका नाम है बफेट, अब से आपका नाम क्या हो गया, बफेट। आपका नाम रख दिया पेटू, खाने वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वर्डों को याद कर रहे हैं, बस इसी को बोलते हैं हम लोग निमोनिक मेथड। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं वर्ड नंबर 6 की ओर, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना, ठीक है, किसी को मतलब काफी परेशान करना, किसी का लाभ उठाना। जैसे ऑफिस में होता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपको देंगे सैलरी वो 20,000, लेकिन आपसे काम लेंगे 40,000 का। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका एक्सप्लॉइट। मतलब उस वो कंपनी जो है, उस कंपनी में वो कंपनी सभी एम्प्लॉयज का क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है, शोषण करती है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका कीवर्ड हम याद कैसे करेंगे, एक्सप्लॉइट, 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 एक्सप्लॉइट। एग्जाम्पल है आपका एक्स आकार के जो प्लॉट होते हैं, गरीबों को बेचकर उनका क्या कर रहा है, वो शोषण करके लाभ उठा रहा है। और इसका सिनोनिमस होगा आपका अचीवमेंट, फीट, एंटोनिमस फेलियर एंड लॉस। एंटोनिमस क्या होगा इसका, फेलियर एंड लॉस। आगे बात करते हैं वर्ड नंबर 7 की, ब्रेवेडो। बहुत प्यारा वर्ड है ब्रेवेडो, और ये एमटीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया, केवल केवल एमटीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, और ये कई बार पूछा गया, तो आप इसको याद रखिएगा। इसका जो याद करने का जो कीवर्ड है वो है आपका ब्रेव वादो, ब्रेव वादो। तो ब्रेव वादों का जो आप याद करेंगे, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं हिंदी में कि ब्रेव लोग वादों को पूरा करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डींग मारते हैं, ठीक है। ब्रेवेडो का मतलब होता है डींग मारना, अकड़पन दिखाना। तो ब्रेव लोग कहते हैं ब्रेव वादो, ब्रेव लोग वादों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा डींग मारते हैं। वो दिखने में ब्रेव होते हैं लेकिन काम को वो नहीं कर पाते। जैसे कोई जिम का कोई पर्सन होता है, हेल्थी होता है, दिखने में हट्टा कट्टा होता है, लेकिन वो क्या करता है, डींगे बहुत मारता है। अरे मैं ये कर दूंगा, मैं दीवार तोड़ दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं उसे कूट के आ जाऊंगा। तो ये क्या है, ये ब्रेव तो है लेकिन क्या कर रहा है, साथ में डींगे मार रहा है। ब्रेव वादो, ब्रेव इंसान की जो दिखने में केवल ब्रेव होता है, हट्टा कट्टा होता है, उनके वादे कैसे होते हैं, केवल डींग मारने के समान ही होते हैं। और सिनोनिमस क्या है इसका, ब्लफ एंड बॉस्टफुल। एंटोनिमस इसका होगा मॉडेस्टी एंड फियर। वर्ड नंबर 8, एफिलिएशन। एफिलिएशन का अर्थ होता है संबंध। एफिलिएशन का अर्थ क्या होता है, संबंध। कीवर्ड है ऑफिस का रिलेशन। ऑफिस का रिलेशंस या संबंध हमसे अच्छा है, मतलब ऑफिस के जो सीनियर वगैरह हैं हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को मानते हैं, हमारी सलाह हमसे लेते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट, उस पर मतलब कार्य करते हैं। तो एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, संबंध। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बैच एंड रिलेशनशिप। एंटोनिम्स इसका होगा डाइवोर्स एंड डिटैचमेंट। वर्ड नंबर 9 है आपका पमेल। पमेल का अर्थ होता है प्रहार करना, किसी को मारना। तो इसका की वर्ड है पुराने मेल। पमेल का मतलब पुराने मेल। पुराने मेल क्या होते हैं, पुराने मेल जितने भी मिले सभी को मारना है, ठीक है। तो
पुराने मेल जितने भी मिले हैं उन सभी को क्या करना है, मारना है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना है, फिलहाल ये बस केवल याद करने के लिए वर्ड था। काफी मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, कभी कभी ऐसे वर्डों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है जो हमको वाकई याद करनी है। ऑस्ट्रोनोमस क्या है इसका, बीट एंड पॉमेल। एंटोनिमस का होगा फेल एंड लॉस। वर्ड नंबर 10 है आपका होरी। होरी का अर्थ होता है बूढ़ा या पुराना, और कीवर्ड है उसका होरी। होरी का कीवर्ड बिल्कुल सेम बनेगा होरी। होरी लाल, अब क्या हो गया, बूढ़ा हो गया है। अरे होरी बूढ़ा हो गया तू, तो क्या कहते हैं, होरी लाल क्या हो गया, अब बूढ़ा हो गया है। तो होरी लाल आपको पता होगा, काफी लोगों के ऐसे नाम भी होते हैं। तो होरी लाल अगर आप कहीं गांव जैसे एरिया में जाएं, खासतौर पे यूपी ऐसे एरिया में जाओगे, तो वहां पे आपको होरी लाल, होरी लाला, तो ऐसे आपको नाम हमें मिलेंगे। तो वहां पे क्या होंगे, होरी लाल कोई व्यक्ति का नाम है समझ लीजिए, और वो क्या हो गया, काफी बूढ़ा हो गया, काफी पुराना हो गया, उसके विचार क्या हो गए हैं, काफी पुराने हो गए हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत अधिक होता है। देखो सिनोनिम्स इसका होता है ओल्ड एंड एंशियंट, एंटोनिम्स इसका होगा न्यू। वर्ड नंबर 11 है आपका फ्लस्टर। फ्लस्टर को अगर हम याद करेंगे, इसका पहले हम देखेंगे हिंदी में मीनिंग क्या होता है। फ्लस्टर मतलब घबराना। आपका एग्जाम, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपके सामने पेपर आया, आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों ने फ्लस्टर करना स्टार्ट कर दिया, आप क्या हो गए, घबरा गए वहां पर, ठीक है। तो अब इसका कीवर्ड क्या है, प्लस स्तर। वह उसके कैमरे के प्लस का स्तर देखकर घबराने लगा। जो कैमरे का जो फ्लश था, जो उसकी लाइट थी उसकी, उसको देख करके क्या हो गया, वो घबराने लगा। तो फ्लश स्तर, और इसका सिनोनिम्स होगा फ्लैप एंड डीथर। एंटोनिम्स होगा इसका ऑर्डर एंड क्वाइट। वर्ड नंबर 12 है आपका गैल। गैल का अर्थ होता है घबराना या कटुता। गैल का अर्थ क्या होता है, घबराना या फिर कटुता। तो गैल या फिर गाल, GALL गाल, उसके गाल लाल देखकर वह क्या हो गया, कटुता से घबराने लगा। वो क्या हो गया, उसके लाल जो गाल थे उसको देख करके क्या हो गया, वो घबरा सा गया। क्या हुआ, भी किसने मारा, क्या करा। जैसा कि सिंपल क्या होता है, छोटा बच्चा अगर आपके घर में होता है, मात्र 2 से 3 साल का बच्चा होगा, वो बाहर अगर वो जाता है आपसे बिना परमिशन लिए, और कुछ समय बाद वो अगर वापस आता है आसपास, मतलब कहीं पार्क वगैरह में घूम करके खुद अकेला 5-6 साल का बच्चा वापस आता है, और आप देखते हो कि उसके गाल काफी लाल है, या तो किसी ने उसको मारा है पीटा है, तो आप क्या होंगे, उसके गालों को देख करके थोड़ा सा घबरा जाएंगे, ठीक है। तो गाल मतलब घबराना, गाल का मतलब घबराना, गाल लाल जहां पे होंगे तो क्या होगा, घबराना माँ का पक्का बनता है कि भाई किसने मारा, गिर गया, मतलब कि गाल के बल गिरा, क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दिया, उसके गाल लाल देखकर उसकी माँ क्या हो गई, काफी घबरा गई। इस तरह से आप लोग इस वर्ड को याद करेंगे। इसका सिनोनिम्स होगा इसका नर्व एंड ब्रेसनेस, एंटोनिम्स काइंडनेस एंड मीकनेस। वर्ड नंबर 13 है आपका एक्सा पैट्रिएट। एक्स पैट्रिएट मतलब होता है प्रवासी। तो एक्स पैट्रिएट का अर्थ होता है देशभक्त। एक्स मतलब जो काफी पुराना हो गया देशभक्त, उसको बोलते हैं प्रवासी। जितने भी एक्स पैट्रिएट थे वह सारे अब क्या हो गए, प्रवासी हो गए हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका ई माइग्रेंट, एक्साइल, एंटोनिम्स नेटिव एंड नेशनलिस्ट। वर्ड नंबर 30 कंप्लीट हुआ, अब हम बात करते हैं वर्ड नंबर 14 की। वर्ड नंबर 14 की बात करते हैं, ये जो वर्ड है आपका, ये वर्ड है आपका सेरेटेड। सेरेटेड का अर्थ होता है आपका दांतेदार। सर रेट इसका एग्जांपल होगा याद करने का, सर रेट। तो सर दांतेदार छुरी के रेट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सर रेटेड का मतलब सर रेट, सर रेट का मतलब कि सर दांतेदार जो छुरी होती है, जैसे कि हम सब्जी वगैरह काटते हैं जिसमें इस तरह जिगजैग बना होता है, तो इस तरह की जो छुरी होती है, नाइफ जो होता है, वो क्या होता है, काफी महंगा होता है। तो सर दांतेदार छुरी के रेट जो है बहुत ज्यादा है। सर रेट, सर रेट, सर इस छुरी के रेट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होगा आपका रिगार्ड एंड स्कॉर्ड, एंटोनिम्स स्मूथ। वर्ड नंबर 15 है वो है आपका एलियास। एलियास का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है उपनाम। तो कीवर्ड है इसका अली, ALI, इस ALI से बना है अली। देखिए यहाँ पे हम याद करेंगे इस वर्ड को कि अली हमारे जिले का एक IAS का उपनाम है। उसका नाम कुछ और है, उसका एक उपनाम रखा गया है, मतलब निकनेम क्या है उसका, अली। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, निकनेम। जैसे कि आपका नाम है राजीव कुमार, एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, आपका नाम है राजीव कुमार, लेकिन घर का नाम क्या है, सोनू, बंटी, चिंटू, पिंकू, ये नाम आपका है निकनेम।
तो उसको बोलते हैं एलियास। ये शायद आपको पता भी होगा, बहुत ही बेसिक वर्ड है। वर्ड नंबर 16 है आपका एवोकेशन। एवोकेशन का अर्थ होता है पेशा या फिर व्यवसाय। एवोकेशन का मतलब क्या होता है? पेशा या व्यवसाय। तो इसका की वर्ड है अब वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है धंधा, मतलब क्या आप काम करते हैं, क्या आप कार्य करते हैं, क्या आपका प्रोफेशनल है, उसको बोलते हैं धंधा, वोकेशन। तो अब उसने अपने वोकेशन मतलब कि व्यवसाय शुरू कर दिया है, अब उसकी उम्र हो गई है, उसने क्या कर दिया, अपना एवोकेशन या वोकेशन शुरू कर दिया है। तो इसका सिनोनिम्स होगा इसका हॉबी एंड पास्ट टाइम, एंटोनिम्स प्रोफेशन एंड वोकेशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन। वर्ड नंबर 17 कॉनकॉक्ट। कॉनकॉक्ट योजना बनाना, कीवर्ड है इसका कॉनकॉक्टल। कॉनकॉक्टल एग्जाम्पल है कॉनकॉक्टेल पार्टी के लिए योजना बना रहा है। कॉनकॉक्ट का मतलब कॉनकॉक्टेल। तो कॉकटेल पार्टी जब होती है तो तीन चार लोग आपस में मिलते हैं, कहते हैं भैया योजना बताओ कहाँ बनेगी, किसके घर पे बनेगी, या किस तरह हम लोग रेंट पे लेंगे। तो ये क्या होता है कौन कॉकटेल पार्टी के लिए योजना बना रहा है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा इसका फॉर्मुलेट हैच। एंटोनिम्स इसका होगा डिमोलिश एंड रोइन। रोइन का मतलब पतन करना। वर्ड नंबर 18 है आपका इन कॉम्पास। इन कॉम्पास का अर्थ होता है घेर लेना। तो इन कॉम्पास का मतलब होता है घेर लेना, और की वर्ड है इसका इनकम पास। इनकम पास, इनकम के अनुसार पास नहीं होने पर पुलिस ने उसे क्या कर लिया, घेर लिया। और इसका सिनोनिम्स होगा सराउंड, सरकमस्क्राइब, एंटोनिम्स फ्री एंड अनलूज। वर्ड नंबर 19 डिसमेंटल। डिसमेंटल का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। सिनोनिम्स इसका होगा रेज एंड डिस्ट्रॉय, एंटोनिम्स रिस्टोर एंड क्लोथ। रिस्टोर एंड क्लोथ। वर्ड नंबर 20 ग्रूड गिंग। ग्रूड गिंग तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है अनैच्छिक, मतलब बिना इच्छा के। तो इसका कीवर्ड होगा गज रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, घेरा। रिंग कैसी होती है, गोल। और रिंग जो आप फिंगर में पहनते हैं तो क्या होता है, वो आपकी फिंगर को घेर लेती है, ठीक है। रिंग का मतलब घेरना, तो गज रिंग। गज की आज रिंग में जाने की इच्छा नहीं है। जो गज जो होता है, शेर जो होता है, सॉरी गज जो होता है आपका हाथी जो होता है, वो अगर सर्कस में काम करता है तो उसके एक रिंग तैयार होता है, गोल घेरा तैयार होता है, उसमें उसके जाने की इच्छा नहीं है। गज रिंग मतलब ग्रोज गिंग मतलब अनैच्छिक, उसकी कोई इच्छा नहीं है। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिनाई एंड अनविलिंग, एंटोनिम्स अलाउ एंड गिव। वर्ड नंबर 21 इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी का मतलब होता है हट जाना। तो इंडी से बना है इंडिया, निटी से बना है नेट। तो इंडिया नेट, इंडिया में नेट, हट जाना भरना पड़ता है, इंडिया नेट। अगर आप इंडिया में होंगे, अगर आपके पास जो भी हट जाना लगता है, आपको ट्रैफिक पुलिस वाले अगर पकड़ लेते हैं, आप उनसे जितना भी बोलो तो क्या होगा, इंडिया में आप कहीं भी रहते हो तो आपको उतना हट जाना क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। इंडिमिनिटी, इंडिमिनिटी, इंडिया नेट। तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका रीपेमेंट एंड रिम्बर्समेंट। एंटोनिम्स इसका होगा पेनल्टी। वर्ड नंबर 22 किंडर्ड। किंडर्ड का अर्थ होता है आपका परिवार या फिर एक जैसा। कीवर्ड इसका होगा काइंड मतलब प्रकार, रेड। एग्जांपल रेड प्रकार के लोग क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, काइंड रेड। तो जो रेड प्रकार के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। सिनोनिम्स का होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंड मैचिंग। एंटोनिम्स होगा इसका इररिलेवेंट एंड डिससिमिलर। वर्ड नंबर 23 लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है आपका सुस्त होना। कीवर्ड है इसका लैंग्वेज, और एग्जांपल है लैंग्वेज पढ़ने के बाद वह सुस्त हो गया। लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्त होना, और जरूरत से ज्यादा अगर आप लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, आप लोग सुस्त हो जाएंगे। लैंग्वेज का मतलब आपके जो एकेडमिक में लैंग्वेज होती है, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, तो क्या होता है अगर आपके पास तीन लैंग्वेज के अलावा क्या होगा, चार पांच लैंग्वेज और आपके एकेडमी में कर दी जाए ऐड, तो क्या होगा, आप काफी बोर हो जाओगे, काफी सुस्त हो जाओगे। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सुस्त होना। सिनोनिम्स का इसका होगा सफर या फिर ड्रूप। और एंटोनिम्स का होगा बिल्ड एंड डेवलप। देखिए इसका कीवर्ड जो था वो लैंग्वेज था, सिंपल लैंग्वेज पढ़ने के बाद वह क्या हो गया, सुस्त हो जाता है, ज्यादा लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको हिंदी पढ़नी है, हिंदी के साथ में कुछ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी आपको पढ़नी है, तो आप क्या होंगे, बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। भाई लैंग्वेज इतनी पढ़ते पढ़ते कोई क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सुस्त होना। वर्ड नंबर 24 है आपका इनवर्स। इनवर्स का अर्थ होता है आपका विपरीत, अपोजिट। तो इसका कीवर्ड होगा इनवर्स।
तो इनको वर्ष भर प्रतिकूल दशाओं का सामना करना पड़ता है। तो यूज होगा पावर इज द इनवर्स ऑफ द डिपेंडेंस, सिनोनिम में इसका होगा अपोजिट एंड इन्वर्टेड, और एंटोनिम में इसका क्या होगा, सिमिलर, बिल्कुल सेम, सिनोनिमा सेम, डिट्टो कॉपी जीरोक्स। तो इसका जो हिंदी में अर्थ था वो था विपरीत। अब हम देखिए इस वीडियो में जो अब तक हमने कोई भी वर्ड जितने भी देखे हैं इस वीडियो में, वो सभी वर्ड आपके एक रिवाइज वर्ड है सामने। अगर आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है, नोट करा है, तो आप इस वीडियो को अभी यहाँ पर पॉज करेंगे और इन सभी के हिंदी मीनिंग आप लिखेंगे बिना चीटिंग के, बिना इस वीडियो को दोबारा से प्ले करें, ठीक है। अगर आपके इसमें से आपके 15 से अगर 12-15 ठीक आते हैं, तो आपने काफी केयरफुली ये वीडियो देखा है। अगर आपको केवल 4 से 5 ही आपको मीनिंग पता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को दोबारा देखिए, पेन डाउन करिए, इन सभी वर्कैब को लिखिए, क्योंकि ये सभी वर्कैब रियल 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 में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। तो इसलिए बी फोकस ऑन दिस वर्ड। तो प्लीज इन सभी वर्ड पे अपना पूरा फोकस रखिएगा, अपना जो नजर है इस पे अच्छे से बनाए रखिए, अपना पूरा ध्यान इसमें लगा करके दोबारा इस वीडियो को वॉच करिए। पेन पेपर नहीं उठाया, दोबारा पेन पेपर क्या, अपना पहली बार पेन पेपर उठाइए और इन सभी वर्डों को लिखिए, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करना है। जाइए इसके बाद में आप एक काम करिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वॉल्यूम 2 वॉच करिएगा, उसमें इसी तरीके से आपको सभी वर्डों को याद कराने की दी गई है, उन सबको आप लिखिएगा। अगर आप इंग्लिश की वोकैब में कमजोर हैं तो देखिए, इंग्लिश की वोकैब आपके काफी सेक्शन में काम आती है, पैसेज में काम आती है, क्योंकि सीजीएल में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एक ना एक पैसेज पक्का पूछता है, और वहां पे आपको इसी तरीके कम से कम 2 से 3 वोकैब वो वहां पे ऐड कर देता है। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता, तो आप उस पूरे पैराग्राफ का सही मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, और सही मीनिंग आपके अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे पूरे पूरे पैराग्राफ का, तो उससे संबंधित 5 क्वेश्चंस के आप राइट आंसर लगा के नहीं आ सकते। आपका वोकैब काम आता है क्लोज टेस्ट में, एंटोनिमस सिनोनिमस में, पैसेज में। तो इसलिए वोकैब इज द बेस ऑफ योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है अच्छे नंबरों से, तो प्लीज वोकैब को स्ट्रांग कर लीजिए। इसी के साथ देखिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज 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 इसको लाइक करिएगा, और आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन की तैयारी जो फ्रेंड आपको कर रहा है, उस तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, उसे मत करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड मेडिकल की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, सीए की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है, उसे बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो प्लीज उस तक शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।